हेलो गाइस गाइस, मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, मेरे पास आज एक हैंडसेट आया है रियलमी का, रियलमी 10, जो कि हैंडसेट चालू है, बट इसमें जो प्रॉब्लम है डिस्प्ले का, यहाँ पे ग्राफिक्स और लाइट दोनों ही नहीं दिखा रहा। अभी हैंडसेट जो है मेरे पास ये ऑन कंडीशन में है, बट यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं कर रहा। सो गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि चार्जिंग लगाया, तो देखिए 1.2 एम्पियर ले रहा है। ये हैंडसेट चालू है, चार्ज भी हो रहा है, बट यहाँ पे डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा। ठीक है, सो हैंडसेट इसमें जो प्रॉब्लम आया है वो गिरने की वजह से यहाँ पे डिस्प्ले नहीं दिखा रहा। कस्टमर ने इसका डिस्प्ले भी कहीं पे दिखाया था, डिस्प्ले लगा के और चेक किया था, तो नया डिस्प्ले भी यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सो भाई, जैसे कि मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो डिस्प्ले का कनेक्टर है वहाँ से जो है बोर्ड में थोड़ा सा बैंड है। ठीक है, तो चलिए हम इसका जो डिस्प्ले का लाइन है GR लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पे डायग्राम में देखा है, तो नीचे वाला जो पिन है डिस्प्ले का 10-1 से लेके और 10 तक का GR आना चाहिए। सो गाइस, जैसे कि मैं देख रहा हूँ जो एक नंबर पिन पे नहीं आ रहा, ठीक है, दो नंबर पिन पे नहीं आ रहा, तीन पे, तीसरे नंबर पे भी नहीं आया, ठीक है, और 4 नंबर पे भी नहीं आ रहा, और उसके बाद 5 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, 5 नंबर पे हमें GR मिला है, और इसके बाद देख सकते हैं 6 नंबर पे भी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा, 7 पे भी नहीं है, 8 पे भी नहीं है, 9 पे भी नहीं है और 10 पे भी नहीं है, ये देखिए। ठीक है, और इसके बाद में जो 11 है वो ग्राउंड है। यहाँ पे नीचे की तरफ जो कनेक्टर में 10 सप्लाई दी है, इसमें हमारा सिर्फ 5 नंबर का सप्लाई है वो आ रहा है, बाकी का एक भी लाइन नहीं आ रहा, यहाँ पे लाइन मिसिंग है। चलिए हम इसका जो ऊपर से जो लाइन दिया हुआ है, ठीक है, वो भी हम चेक कर लेंगे। सो गाइस, ऊपर से हम देखेंगे कि कितने जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे हम देखेंगे तो यहाँ पे रीडिंग मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में एक छोड़ के और उससे अगले वाला जो है 9 छोड़ के 10 नंबर का, ये भी हमारे रीडिंग आ रहा है। उसके बाद में है ये देखिए 12 13 14 नंबर पे भी हमें GR मिल रहा है। सो गाइस, जो हमें प्रॉब्लम यहाँ पे शो कर रहा है वो है डिस्प्ले का जो ग्राफिक है उसका GR शो नहीं हो रहा। नीचे की तरफ जो लाइन है 10 जो कि एक CPU में जाती है, ठीक है, उनमें से हमें सिर्फ एक लाइन मिल रहा है, बाकी की हमारी 9 लाइन मिसिंग है। चलिए हम इसके साथ में डिस्प्ले का जो लाइट का सेक्शन है उसको भी हम चेक कर लेंगे। फर्स्ट हमने चेक किया, यहाँ पे जो है हमें रीडिंग मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो है दूसरा लाइन चेक करेंगे, ये भी आ रहा है, देखिए गाइज। अगर आपके पास ऐसा ही कोई हैंडसेट आता है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इसमें जो है देखने या सीखने के लिए कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आप भी अगर स्टेप बाय स्टेप ऐसे चेक करोगे, काम करोगे, तो अवश्य सफलता होगा। सो गाइज, जैसे कि मैंने यहाँ पे चेक किया कि हमें सभी GR बिल्कुल कंप्लीट मिल रहा है। ठीक है, और जो नीचे वाला लाइन है ये हम देखेंगे कि आखिर कहाँ पे जा रहा है, ये जाएगा CPU में, लेकिन उससे पहले कुछ
हमें कोई ट्रैक या फिर रजिस्टर पे जा रहा होगा। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। पूरा जो 10 सप्लाई है, पूरा का पूरा 10 सप्लाई यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 10 रजिस्टर लगे हुए हैं। ये है हमारा सीपीयू के पास में, नहीं सॉरी सीपीयू के पास में नहीं है, ये देखिए पीछे की तरफ है, ठीक है। तो चलिए हम जो है यहाँ पे रीडिंग लेके देखेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे रीडिंग देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये देखिए। फर्स्ट हमें जो है रीडिंग GR देखने को मिला है, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, ठीक है, सिक्स, सेवन, एट और 2 सप्लाई आगे लगी हुई है, 9, 10। सो गाइस यहाँ पे जो है हमें पूरा सप्लाई मिल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर पे कोई सप्लाई नहीं दिखा रहा, उसके पीछे जो रजिस्टर है उस पे हमें सप्लाई मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये सप्लाई ब्रेक हो चुकी है, बीच में से जो है कट चुकी है, गिरने की वजह से दबाव लगता है, तो यहाँ से जो है यहाँ तक का सप्लाई कट गया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम इसका जम्पर बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जम्पर ले लिया है, ठीक है। तो उस जम्पर को जो है मैं यहाँ पे फिक्स करूँगा। सो गाइज मैंने यहाँ पे जो है पूरा जम्पर जो है लगा लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं जम्पर वायर मैंने लगा लिया है, ठीक है। और अभी इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगा। क्लीन करने के बाद में इसको हम एक बार यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि कहीं कोई आपस में शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे कर लेना है अगर आपके में ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है। सो गाइज मैं यहाँ पे एकदम इसको जो है क्लीन करके और उसके बाद में चेक करूँगा आपस में कोई अटैच तो नहीं है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे सभी जम्पर मेरे ओके, ठीक है, कंडीशन में हैं, ओके सही लगे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है हम इसको जम्पर वायर को यहीं पे सेट करेंगे। जो यूवी ग्लू होता है उसको हमने यहाँ पे लगा के और यूवी लैम्प से इसको, ठीक है, सुखा देंगे, यूवी ग्लू लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे मास्क कर दिया है ताकि ये जम्पर जो है बिल्कुल यहाँ से हिले ना।
गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास ये यूवी जो है लाइट है, ठीक है। और ये मैंने ये 12 वोल्टेज से चलती है, और मैंने ये जो मोटरसाइकिल वगैरह में इनमें जो लाइट लगती है, ठीक है, रेडियम, वहाँ से जो है परचेज़ किया है। और ये मात्र सिर्फ 20 रुपीज़, 20 रुपये की है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि मार्केट में अगर यूवी आप लाइट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट इससे भी काम चल जाता है हमारा, ठीक है। ये देखिए, इसको जो है मैंने डीसी वोल्ट, 12 वोल्ट, डीसी के जो 12 वोल्ट होते हैं उससे इसको वोल्ट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये चालू हो चुकी है, ठीक है। और इसको करीब 5 मिनट जो है चालू करके रखा है, उसके बाद ये यूवी जो है बिल्कुल सेट हो चुका है, यूवी मास्क। चलिए अब हम जो है इन जम्पर को यहाँ पे कनेक्टर तक लेके आएंगे, और जिस तरह से हमने नीचे की तरफ सेट किया है ऐसे ही हमने ऊपर सेट करना है। और ये देखना है कि जो आपको देख रखा होगा बोर्नियो का जो डायग्राम है, ठीक है, उसमें जैसे हमने लाइन को देखा है उसी हिसाब से इस लाइन को लगा लेंगे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे सभी लाइनें जो है वो मेरा लग चुका है, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि आपस में कोई अटैच ना हो। तो इसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा थिनर से क्लीन करूँगा, ठीक है। क्लीन करने के बाद इसको चेक करूँगा, यहाँ पे हमें सभी जो है GR अभी जो है मिल रहे हैं। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, इन सभी पे जो है हमें यहाँ पे GR देखने को मिल रहा है। ये भी चेक करूँगा कि आपस में कोई अटैच तो नहीं है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे जो है कोई भी मुझे अटैच नहीं दिख रहा आपस में, ठीक है, और सही है जम्पर। तो चलिए मैं एक बार यहाँ पे हैंडसेट को फिक्स करके और चेक कर लूँगा।
सो गाइज, यहाँ पे जो है मैंने इसको लगाया है। अभी इसको सिर्फ चेक करूँगा, उसके बाद में फिक्स करूँगा, ठीक है। सो जैसे कि मैंने इसका ऑन ऑफ को टच किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो डिस्प्ले है वो शो किया है, ठीक है। डिस्प्ले हमारा काम कर रहा है। चलिए इसको ऑन होने देंगे। इसके बाद हमें टच भी चेक करना है, हो सकता है टच में भी कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं टच एकदम मेरा ओके है। टच बिल्कुल जो है परफेक्ट काम कर रहा है। सो गाइज, अब इसके बाद में हम जो जम्पर जो वायर लगाया है उसको एकदम ऊपर से भी जो है कनेक्टर के पास में जो लगाया है इसको भी यूवी ग्लू मास्क करेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है मैंने मास्क करने के बाद में भी एक बार टेस्ट किया है, ठीक है, और सभी जम्पर को हमने अच्छे से सेट कर दिया है। इसके बाद इसको हैंडसेट को जो है हम यहाँ पे फिट कर पा रहे हैं, तो ठीक है, तो हैंडसेट को हमने यहाँ पे पैक कर लिया है। तो गाइज, आप ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, ठीक है, और आपको इससे अगर कुछ हेल्प मिले तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंडसेट बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। सो गाइज, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डायग्राम। धन्यवाद।